तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है वो देखो। तो अगर इसमें देखोगे तो ये बीम ऑफ लाइट रेड ग्रीन एंड ब्लू, दो यहाँ पे ब्लू है, ग्रीन है और रेड है, ये तीनों एक प्रिज्म पे डाले जा रहे हैं। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मटेरियल ऑफ प्रिज्म म्यू है, हर कलर के लिए यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, 1.39, 1.44, 1. ठीक है ना, रेड ग्रीन हर हर किसी का म्यू यहाँ पे अलग अलग दिया है। रेड ग्रीन और ब्लू के लिए जो म्यू है वो यहाँ पे मेंशन है। तो ये कहता है प्रिज्म से कौन सी लाइट सेपरेट होगी और कौन सी सेपरेट नहीं होगी, उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए प्यारे बच्चों, जो हमारे पास सिस्टम मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ से TIR का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये जो प्रिज्म है कुछ ऐसा है, तो ये राइट एंगल प्रिज्म कुछ ऐसा है, समझना। तो ये एंगल यहाँ से, चलो मान लेते हैं इन जनरल एक रे यहाँ से आई तो ये नॉर्मल आ रही है 90 डिग्री, तो ऐसे पास हो जाएगी। और इस पॉइंट पर इसका TIR तीन पॉसिबिलिटी है, ये इधर भी जा सकती है, ये ऐसे इंटरफेस से भी होके जा सकती है, और ये इधर भी आ सकती है या इधर जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे तीन यहाँ से चांस है। ये किधर जाएगी वो तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल डिसाइड करेगा, ये वाला एंगल डिसाइड करेगा, दिस इज द एंगल। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे TIR हो रहा है और वो लाइट रे इंटरफेस से होके जा रही है ये वाली, तो ये एंगल यहाँ पे कितना था, ऑलरेडी गिवन है 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो यहाँ से तुम देखोगे ये 90 है, तो ये वाली एंगल कितनी होगी, तो ये भी तो 45 डिग्री है, तो ये 90 है, तो ये 45 होगा, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी 45 होगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे इसका, इस रे का TIR होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब sin I मस्ट बी ग्रेटर देन sin C। ठीक है, अगर इससे अधिक होगा तो लाइट रे इस मीडियम में वापस आ जाएगी, अदरवाइज वो इधर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि sin I मस्ट बी ग्रेटर देन 1/μ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और sin I मतलब यहाँ से 45 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन 1/μ। तो यहाँ से 1/μ की जो वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1/sin 45, sin 45 μ मस्ट बी ग्रेटर देन √2, मतलब जिनका म्यू √2 से अधिक है। √2 का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों 1.4, यहाँ से 4, 1.4 यहाँ से 1/4, ऐसे म्यू √2 की भी यहाँ से म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1.414 की वैल्यू। ये अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे अधिक है, ठीक है ना, अगर TIR होना, यहाँ पे TIR होना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो इसके बराबर होगा या तो इससे अधिक होगा। तो जिसका इससे अधिक है, तो इससे अधिक किसका है, तो 1.47 भी अधिक है, ब्लू का भी अधिक है और ग्रीन का भी अधिक है। तो ब्लू और जो ग्रीन है, जो ब्लू है वो ऐसे जाएगी और ऐसे इसका अंदर ही रह जाएगी, और जो ग्रीन है वो ऐसे जाएगी और ऐसे ही रह जाएगी, क्योंकि इसका TIR हो जाएगा। और जो रेड है उसका वो इस पॉइंट पे उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, वो कुछ ऐसे जाएगी रेड। ठीक ना, तो ये रेड ऐसे जाएगी और ये दोनों ब्लू, और इसका मतलब ये हुआ, इस लॉजिक से तुम देखोगे तो सेपरेटेड द रेड कलर अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू, तो अपना बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी।